अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी बीएफडी की थर्ड क्लास है। पिछली दो क्लासेस में हमने जितनी चीज़ें कवर की थी मैं उनको ज़रा रिकैप कर दूं। अज्यूम करें सर, हमारे पास एक कंपनी है जिसके दो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास इक्विटी होल्डर्स हैं जिनके पास हमारे शेयर हैं, जिन्होंने हमारे शेयर्स परचेज किए हैं। सर ये जो हमें पैसे देते हैं इस एंटिसिपेशन से देते हैं कि हम इनको डिविडेंड पे करेंगे, ठीक है जी। सर सेम हमारे पास कुछ लेंडर्स हैं जिन्होंने हमें लोन दिया है, इनको हम लेंडर्स भी कहते हैं, इनको हम डेट होल्डर्स भी कहते हैं, ठीक है जी। ये हमारी डेट सिक्योरिटीज खरीदते हैं, हमें लोन देते हैं, ठीक है जी। ये लोन इसलिए दे रहे हैं कंपनी को कि सर कंपनी ने इस पर क्या पे करना है, इनको इंटरेस्ट पे करना है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम अज्यूम कर लेते हैं कि 100 रुपए की इक्विटी, हमारे पास 60 रुपए का डेट। इस 100 रुपए की इक्विटी पे इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी इसको 15% का रिटर्न देगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। सर ये जो लेंडर है ये अपने 60 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे कंसिडर कर रहा है कि इसको 10% का रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज ये बताएं सर, ये पैसा कंपनी के पास गया, कंपनी के पास टोटल पैसा है कितना? सर कंपनी के पास टोटल पैसा 160 रुपए। इस 160 रुपए को कंपनी इन्वेस्ट करेगी डिफरेंट जगहों पर और कोशिश करेगी कि यहां से ज्यादा रिटर्न कमाए, लेकिन बेयर मिनिमम कंपनी को जो रिटर्न कमाना है इन दोनों को खुश रखने के लिए वो कितना रिटर्न होना चाहिए। कंपनी कह रही थी मेरे पास 100 ऐसे रुपए मौजूद है जिसमें मुझे 15% की कमाई करनी है और मेरे पास 60 ऐसे रुपए मौजूद हैं जिसमें मुझे एटलीस्ट 10% की कमाई करनी है। कंपनी कहती है जी मुझे ओवर द 1 ईयर पीरियड 21 रुपए कमाने हैं अपने 160 रुपयों की टोटल इन्वेस्टमेंट पे। सर ये बनता है अराउंड कोई 13.125%। कंपनी को ये रिटर्न कमाना है और ये रिटर्न अगर कंपनी कमाएगी तो इक्विटी होल्डर और डेट होल्डर दोनों खुश रहेंगे। कंपनी ये 160 रुपए आगे मार्केट में ऐसे इन्वेस्ट करेगी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जिससे इस कंपनी को 13.125% से ज्यादा रिटर्न मिले। मिसाल के तौर पे ये प्रोजेक्ट ए है, ये 20% का रिटर्न दे रहा है, मैं इस प्रोजेक्ट में पैसे डाल दूंगा। क्यों? मैं मांग रहा हूं 13.125, ये दे रहा है 20%। सर मैं प्रोजेक्ट बी में भी पैसे डाल दूंगा, मिसाल के तौर पर ये 14% का रिटर्न दे रहा है। क्यों? मुझे चाहिए 13.125, ये प्रोजेक्ट दे कितना रहा है? सर ये 14% दे रहा है। सर मैं सी में से मिसाल के तौर पर 12% का ये प्रोजेक्ट हमें रिटर्न देगा, सर मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये प्रोजेक्ट कंपनी को उसके रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा, उसके रिक्वायर्ड रेट के बराबर भी नहीं दे रहा, तो ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना फजूल है, ठीक है जी। अब बताएं सर कंपनी को कम से कम ये रेट कमाना है, इस रेट को हम क्या कहें? सर इस रेट को हमने डिस्कस किया था कि हम कहते हैं वैक। वैक का क्या मतलब है सर? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये जो पैसा कंपनी इस्तेमाल कर रही है ना ये हमारे फुफा का नहीं है, इस पर हमने उस पर डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट देना है। सर मेरा सवाल है तुमसे, आपने ऐसे क्यों नहीं किया 15% + 10% डिवाइडेड बाय 2, 12.5% आ जाता? नहीं सर ये एवरेज है, वेटेड एवरेज नहीं है। वेटेड एवरेज का मतलब क्या है? 100 रुपए मुझे ऐसे लोगों ने दिए जो 15% का रिटर्न मांग रहे हैं, 60 रुपए मुझे ऐसे लोगों ने दिए जो 10% का रिटर्न मांग रहे हैं, तो मुझे इन दोनों को खुश रखना है। 15% मुझे 100 रुपए पे कमाना है, सर 60 रुपए पे मैंने कोई 10% का रिटर्न कमाना है, मुझे ऑन एवरेज 21% का रिटर्न कमाना है, 21 रुपए का रिटर्न कमाना है ओवर कैपिटल ऑफ 160 जो कि बनता है 13.125। ऐसा अब बताएं सर कंपनी को ये वैक कम से कम रखना है, ये कॉस्ट कम से कम रखनी है ताकि कंपनी आसानी से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पैसे डाल सके। ऐसा मुझे बताएं इस वैक को कैलकुलेट करने के 4 कंपोनेंट्स हैं। एक है मेरे पास इक्विटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मैं नाम दूंगा आज के बाद KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस KE। क्यों सर? सी लिख देते नहीं बेटा, जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, जो दुनिया की बाकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताबों में लिखी है, हमने टर्मिनोलॉजी भी वही इस्तेमाल करनी। सर फिर मैं डेट की मार्केट वैल्यू देख लूँ या वैल्यू देख लूँ, इनटू KD डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। सर अगर ये 4 चीज़ें मुझे मिल जाना तो मैं आराम से वैक निकाल सकता हूँ। इसमें हमने सर ये देखा था कि इन 4 चीज़ों में से जो इक्विटी और डेट है सर ये आपने मार्केट वैल्यू पर रखनी है, बुक वैल्यू पर नहीं रखना। आपने किस पर रखना है? मार्केट वैल्यू पर रखना। और हमने मार्केट वैल्यू पर इसलिए रखा था कि सर कंपनी का एम ये होता है कि जो उसका हाजिर इन्वेस्टर है, करंट इन्वेस्टर है, सर उसने शेयर खरीदा मार्केट वैल्यू पे, तो उसको रिटर्न भी किस हिसाब से मिलना चाहिए? उसकी मार्केट वैल्यू पर मिलना चाहिए। तो बुक वैल्यू पे हम रिटर्न नहीं देखते, हम रिटर्न हमेशा किस पे देखेंगे मेरे बच्चों? इन्वेस्टर ने जिस रेट में इक्विटी खरीदी है, यानी जो अभी करंट हाजिर मार्केट रेट है, सर कंपनी को रिटर्न उस पर देना चाहिए। डन। मिसाल के तौर पर OGDC के एक शेयर आज एक बंदा खरीदता है 120 रुपये में,
तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कंपनी से कि कंपनी उसको 10 रुपए की प्राइस पे डिविडेंड देगी या 120 रुपए की इन्वेस्टमेंट कंसिडर करके डिविडेंड देगी। ऑब्वियसली बात है 120 रुपए कंसिडर करके डिविडेंड देगी ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं सर, मुझे अब इक्विटी और डेट की मार्केट वैल्यू चाहिए और मुझे सर उर्दू जुबान में KE और KD चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहले मैं सर डिस्कस करने जा रहा हूं, ये हमने सारी चीजें लास्ट क्लास में डिस्कस की हुई है सर, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है जी। देखिए सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें यह कहती है कि किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू अगर आपने मालूम करनी है तो आप ऐसे मालूम कर सकते हैं कि आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, ठीक है जी, ऑफ ऑल कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड फ्रॉम दी एसेट। एक एसेट से जितना कैश फ्लो तुम्हें मिल सकता है आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का अप्रोप्रिएट रेट से आपको उस एसेट की फेयर वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है जी। अब बताएं सर, मैं अगर इक्विटी खरीदता हूं, शेयर्स खरीदता हूं, तो बताओ मैं किस एंटिसिपेशन में इक्विटी शेयर्स खरीदता हूं सर, क्या एंटिसिपेशन होती है मेरी सर? सर मेरी एंटिसिपेशन ये होती है कि मुझे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है जी, डिविडेंड मिलेगा, डन, डिविडेंड मिलेगा। एक शेयर खरीद के आपको सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड मिलेगा, अज्यूमिंग कि आप इस शेयर को कयामत तक नहीं बेचेंगे, और चूंकि कंपनी एक परपेचुअल स्ट्रक्चर है, अनलिमिटेड लाइफ है, उसकी लाइफ डिपेंड नहीं करती है कंपनी की उसके इन्वेस्टर से, इन्वेस्टर मर जाता है कंपनी फिर भी खड़ी रहती है। मेरा एक सवाल है सर, क्या इन्वेस्टर की लाइफ पे डिपेंड करती है कंपनी? नहीं सर, कंपनी की लाइफ परपेचुअल कंसिडर की जाती है। इसका मतलब यह है कि जनाब अगर आप शेयर्स की फेयर वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं तो शेयर्स की फेयर वैल्यू बराबर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर। जितना डिविडेंड तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो एक शेयर से, वो सारा डिविडेंड अगर मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं और एड अप कर लूं, वो शेयर की मार्केट वैल्यू बननी चाहिए, डन। फिर मेरा एक सवाल है सर, गौर सुनिएगा दोस्त, एक कंपनी की डिविडेंड की जो पेमेंट होती है वो हमने डिस्कस किया था, क्या हो सकती है सर? डिविडेंड की पेमेंट या तो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट का मतलब हर साल 50 रुपए का डिविडेंड, हर साल 15 रुपए का डिविडेंड, चेंज ही नहीं हो रहा, इंक्रीज ही नहीं हो रहा ना डिक्रीज हो रहा है, ये कौन सा डिविडेंड है? सर एक ऐसा डिविडेंड जो कांस्टेंट है अमाउंट में, ठीक है। एग्जाम में आपको सर ऐसा डिविडेंड भी दे सकता है वो जो कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग हो, सर कंटिन्यूअसली एक ही रेट से डिविडेंड ग्रो कर रहा है, ठीक है जी, या क्या हो सकता है सर अदर मॉडल्स, ठीक है जी, ये हमने भी डिस्कस करना है, ठीक है जी, ये हमने भी आगे जाके डिस्कस करना है सर। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब कॉन्स्टेंट डिविडेंड मॉडल की, ठीक है जी। कॉन्स्टेंट डिविडेंड का मतलब हर साल एक जितना डिविडेंड, ऐसा मैं नाम दे रहा हूं उसको कॉन्स्टेंट डिविडेंड, पक्का? अच्छा जी, देखिए कॉन्स्टेंट डिविडेंड कौन सी कंपनी पे करती है, आए जरा एक छोटी सी एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक इन्वेस्टर है, ठीक है, ये कंपनी को देता है पैसे, अच्छे तरीके से समझना, ठीक है, इसे कंपनी को दिए 100 रुपए और कंपनी से कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे इस पे रिटर्न देंगी 15% का, ठीक है, गौर समझना। कंपनी ने क्या किया, ये 100 रुपए आगे इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, जब आगे इन्वेस्ट किए तो कंपनी वाकई इस पे 15% ही कमा रही है, गौर से सुनना। तो बताओ कंपनी हर साल 15 रुपए कमाती है प्रॉफिट, और ये सारा इंटायर प्रॉफिट इस इन्वेस्टर को डिविडेंड के तौर पे दे देती है। हर साल इसको 15% मिल रहे हैं, इसको चाहिए भी कितना है, 100 × 15% इस 15 रुपए, कंपनी कमा के भी कितना दे रही है, 15 रुपए हर साल कंपनी इसको 15 रुपए कमा के दे रही है, बंदा खुश है, ठीक है जी, गौर सुनना। थोड़े टाइम बाद इस बंदे ने सोचा कि जी मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न होना चाहिए 12%, ठीक है जी, कितना होना चाहिए 12%, या इसने सोचा या कोई एक और बंदा आ गया सर पिक्चर में, ये ए है ये बी है, अच्छा बी का रिक्वायर्ड रेट है 12%, बी ने ए से कहा कि भाई तुम्हें डिविडेंड कितना मिलता है,
तो ए ने कहा जी मुझे डिविडेंड मिलता है हर साल 15 रुपए का, कितने का, जो मेरे पास शेयर पड़े हैं उस पर डिविडेंड कितना मिलता है 15 रुपए का। अच्छा बी ने कहा जी मेरा रिक्वायर्ड रेट तो 12% है, बताएं मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूं कि जिसका 12% बराबर हो किसके 15 रुपए के। तो अगर मैं काम करूं, मैं 15 को डिवाइड कर दूं 12% से, ठीक है जी, तो मुझे इन्वेस्टमेंट की क्या मिल जाएगी, मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। सर मैं मार्केट वैल्यू निकाल लेता हूं सर इन्वेस्टमेंट की, सर मेरे पास 15 डिवाइडेड बाय 12 ये आ गए सर 125%, ठीक है 125 रुपए। ए ने क्या किया, बी को शेयर 125 रुपए में बेच दिया, तो 125 रुपए सर बी ने उठा के दे दिए ए को और शेयर ए से खरीद लिया। अच्छा आप एक चीज नोट करें, कंपनी के पास आज भी सिर्फ 100 ही रुपए पड़े जो उसके आगे इन्वेस्टेड है। जब शेयर होल्डर्स आपस में एक दूसरे को चीजें बेचते हैं ना, इससे कंपनी की, कंपनी के पास जो एसेट्स पड़े ना उसमें कोई इजाफा नहीं होता, ये दिमाग में रखिए। कंपनी के पास आज भी कितने रुपए पड़े, 100 रुपए, जबकि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो चुका है सर 125 रुपए। अब इसमें 2-3 बातें गौर करने वाली है, ठीक है जी। कंपनी के पास जो 100 रुपए पड़े ना, मैं इनको नाम देता हूं सर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना जी, वो 100 रुपए। और कंपनी जो इस पर 15% कमा रही है, ये कहलाती है रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या कहलाती है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कितना है जी 15%, ठीक है जी। सर जो शेयर होल्डर रिटर्न मांग रहा है, जैसे बी है, बी का रिक्वायर्ड रिटर्न ये कितना जनाब, ये है 12%। याद रखिएगा ये रिक्वायर्ड रिटर्न हमेशा ऑन मार्केट वैल्यू होगा, ये रिक्वायर्ड रिटर्न हमेशा किस पे होगा, ऑन मार्केट वैल्यू। सर कंपनी दे रही है 15 रुपए का डिविडेंड 100 रुपए के ऊपर, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी के ऊपर 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है जी। इन्वेस्टर क्या कमा रहा है, मार्केट वैल्यू पे 12%। मार्केट वैल्यू है कितनी भैया 125 का 12% निकालोगे ये भी कितना आएगा 15 आएगा। अब सर सुनिएगा दोस्त, इसका मतलब है कल अगर मिस्टर सी आता है और वो ये देखता है जी कि कंपनी डिविडेंड दे रही है 15 रुपए का, और वो ये समझता है कि उसका रिक्वायर्ड रेट 10% है। क्यों सर, हर बंदे का रिक्वायर्ड रेट अलग है, हर बंदे का रिक्वायर्ड रेट अलग है। मिसाल के तौर पर मैं, मेरे पास 10 एवेन्यूज है पैसा इन्वेस्ट करने के, 11वां आएगा ना तो मैं कहूंगा यार मेरे पैसे तो ऑलरेडी मुझे अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, 11वें में पैसा डालूंगा अगर ये मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न दे तो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न ज्यादा होगा। एक बंदा ऐसा है जिसके पास इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज इतने नहीं है, उसका पैसा फारिग पड़ा हुआ, उसको सर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली, उसका रिक्वायर्ड रेट कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। हर बंदे का परसेप्टिव एलिमेंट रिस्क के बारे में, मिसाल के तौर पर मैं बैंकों में पैसा नहीं डालता, ठीक है जी, मिसाल के तौर पर मैं ऑयल एंड गैस कंपनी में पैसे नहीं डालता क्योंकि मुझे बहुत रिस्की लगती है, लेकिन शायद एक और बंदे को ऑयल एंड गैस सेक्टर इतना रिस्की ना लगे, मेरे लिए रिक्वायर्ड रेट ज्यादा होगा, उसके लिए रिक्वायर्ड रेट कम होगा, ठीक है जी। अब बताएं सर इसके हिसाब से मार्केट वैल्यू क्या बन गई, तो 150 रुपए बन गई भाई। क्या कंपनी के पास 150 रुपए का है, नहीं, कंपनी के पास आज भी कितने पड़े हैं सर 100 रुपए, उस पर कंपनी क्या कमा के दे रही है 15% का रिटर्न। याद रखिएगा ये बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी है सर, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट है, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट है किस रेट पे, किस पे, मार्केट वैल्यू के ऊपर, डन। अब आए जरा दोस्त एक कंपनी का हाल देखते हैं। एक कंपनी है सर जिसने ईयर 1 के स्टार्ट पे बिजनेस स्टार्ट किया और इन्वेस्टमेंट की, उसको मैं नाम दे रहा हूं ओपनिंग एसेट्स, ठीक है, ओपनिंग नेट एसेट्स, ठीक है, ₹1000 की इन्वेस्टमेंट की। ये किसने दिए पैसे कंपनी को, इन्वेस्टर ने दिए, कंपनी ने क्या की, आगे इन्वेस्ट कर दिए। कंपनी इस पे हर साल रिटर्न ऑन इक्विटी कमाती है 20% का, कितना आता है जी 200 रुपए। कंपनी हर साल ये एंटायर अमाउंट डिविडेंड के तौर पे दे देती है, कंपनी के पास दोबारा कैपिटल कहां के खड़ा हो जाता है 1000 रुपए में। कंपनी सेकेंड ईयर में क्या करती है भाई, 1000 रुपए से दोबारा बिजनेस स्टार्ट कर दिए, साल स्टार्ट करती है, फिर कंपनी इस पे 200 रुपए कमाती है और सर पूरे 200 रुपए डिविडेंड के तौर पर बांट देती है, फिर हम 1000 रुपए पे आगे खड़े हो जाते हैं। इस तरह हर साल कंपनी जो कमाई की बांट रही है, जो कमाई की बांट रही है, मुझे बताओ इस कंपनी के क्या नेट एसेट्स, क्या नेट एसेट्स ग्रो करेंगे, क्या नेट एसेट्स ग्रो करेंगे, हैं, नेट एसेट्स ग्रो करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कंपनी जो कमाती है बांट देती है, तो ग्रोथ कहां से आएगी, नहीं आएगी। इसका मतलब है सर जो कंपनी अपनी इंटायर अर्निंग्स डिविडेंड में बांट देती है सर, वो कंपनी जनरली कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड हर साल देती है। हमारी अजम्पशन है कि कंपनी का आरओई
रिटर्न ऑन एक्विटी 20% है, ये चेंज नहीं होगा, कंपनी इसी रेट से कमाती रहेगी। लेकिन सर ये याद रखिएगा, जो कमाएगी वो उठा के बांट रही है। तो ऐसी कंपनी सर जो 100% अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती, आमतौर पर ऐसी कंपनी के नेट एसेट्स ग्रो नहीं करते, नेट एसेट्स ग्रो नहीं करते तो प्रॉफिट ग्रो नहीं करता। सर ये जो कमाती उठा के बांट देती है, तो इसका डिविडेंड क्या होगा सर? कॉन्स्टेंट डिविडेंड, याद आ रहा है? अब बताएं सर, अगर मुझे एक ही अमाउंट से डिविडेंड मिलता रहे कयामत तक, मिसाल के तौर पर इसी कंपनी का हिसाब किताब लेते हैं सर, पूरी कंपनी डिविडेंड बांटती है कितने का? 200 रुपए का हर साल, 200 200 200 200। तो बता अगर इस परपिचुटी के मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाऊं, यानी मार्केट वैल्यू निकालने जाऊं, तो क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स इन परपिचुटी, ऐसा कैसे निकलेगा सर? डिविडेंड मार्केट वैल्यू बराबर है डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस, से एज्यूम करें हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%, 15% रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 15%, ऐसा। अब बताएं सर, जिस चीज की पावर इन्फिनिटी, जिस चीज की पावर इन्फिनिटी, जिस चीज की पावर इन्फिनिटी, याद रखिएगा, याद रखिएगा, उसकी वैल्यू जीरो। बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं मार्केट वैल्यू 200 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 15%, सर मार्केट वैल्यू बराबर है डिविडेंड डिवाइडेड बाय 15%, ये कितना आता है जी? 1333, ऐसा। सर ये रिक्वायर्ड रेट 15% है, आरओई 20% है, याद रखना आरओई वो रेट है जो कंपनी आगे इन्वेस्ट करके कमा रही है, ठीक है जी? शेयर होल्डर जो हमसे रिटर्न मांग रहे हैं, कंपनी से मांग रहे हैं, वो 15% जरूरी है, दोनों बराबर हो, ठीक है? अब बताएं इस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है भैया? इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 1333 रुपए है, ठीक है जी? तो सर हमने एक फंक्शन डेवलप कर लिया है, अगर हम एक फंक्शन डेवलप कर लें इससे, तो फंक्शन क्या होगा सर? कि कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू, एक ऐसी कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो कांस्टेंट डिविडेंड देती है, वो क्या होना चाहिए सर? डिविडेंड रिसीव्ड इन परपिचुटी डिस्काउंटेड एट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर इससे कंपनी के शेयर्स की, अगर आप एक शेयर का डिविडेंड ऊपर रखेंगे तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप इंटायर कंपनी का डिविडेंड ऊपर रखेंगे तो इंटायर कंपनी की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। याद रखिएगा, ये एक ऐसी कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालने का फंक्शन है जो 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है जी? क्या करती है? 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, और 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से इसका डिविडेंड कांस्टेंट रहता है, इसका डिविडेंड कांस्टेंट रहता है, ठीक है जी? अच्छा जी, यहां तक तो बात कर ली हमने। अच्छा, इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो मेरे पास सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर है डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू, डन। यहां तक हमने सर लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे जो हमारे सेकंड लेक्चर में अवेलेबल है। अब हम जा रहे हैं सर एक ऐसी कंपनी के वैल्यूएशन के लिए जिसमें हम अज्यूम करेंगे कि डिविडेंड्स आर ग्रोइंग, लेकिन जो डिविडेंड की ग्रोथ रेट है ना, वो ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा, ठीक है जी? डिविडेंड कांस्टेंट नहीं होगा, डिविडेंड का ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा। रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट, ठीक है जी? सर अगेन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा इस पे। अज्यूम करें कि एक कंपनी ने 1000 रुपए से ना बिजनेस स्टार्ट किया, मैं इसको नाम दे रहा हूं ओपनिंग नेट एसेट्स, ठीक है? 1000 रुपए से बिजनेस शुरू किया इस कंपनी के, ये पैसे 1000 रुपए इसको शेयर होल्डर्स ने दिए, ये 1000 रुपए कंपनी ने आगे इन्वेस्ट कर दिए। अब देखिए कंपनी की मार्केट वैल्यू कुछ भी हो जाए, कंपनी के पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, मार्केट वैल्यू बाहर तब्दील होगी, कंपनी के नेट एसेट्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है? कंपनी ने क्या किया, इसको एक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट किया जहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का था, ठीक है जी? तो सर जब 1000 रुपए इन्वेस्ट हुए ना, तो इस पे हमें 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस दफा कंपनी ने ये सोचा कि भाई मैं अगर सारा डिविडेंड बांट दूंगा तो फिर मैं ग्रो कैसे करूंगा, तो कंपनी ने इस दफा ये डिसाइड किया कि मैं डिविडेंड 100% नहीं बल्कि 60% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, दैट इज 120, ठीक है जी? अब बताएं 120 रुपए का डिविडेंड देने से मेरे पास जो डिविडेंड
रिटेन हुआ, प्रॉफिट रिटेन हुआ वो 80 रुपए का था। मैं इसको नाम दे रहा हूं रिटेन्ड प्रॉफिट। ऐसा बताएं इससे मेरे क्लोजिंग नेट एसेट्स में क्या वैल्यू आ रही है। 1000 ओपनिंग था, 80 रुपए रिटेन हुए तो 1080 डन। ये 1080 सर मेरे सेकंड ईयर का ओपनिंग बन गया। सेकंड ईयर के इस ओपनिंग नेट एसेट्स पे अगेन मुझे 20% का रिटर्न मिला, दैट इज 216। ठीक है जी, इसी का 60% अगेन मैंने पॉलिसी बना ली कि मैं अपने प्रॉफिट का 60% बांट दिया करूंगा। तो बताएं सर मेरे पास करंट ईयर के प्रॉफिट में से कितना रिटेन हुआ? सर 86.4। और सर मेरे नेट एसेट्स 1080 से बढ़ के 11.664 पे आ गया। ऐसा मैं थर्ड ईयर में प्रवेश करता हूँ 11.664 रुपीज़ का नेट एसेट लेके। अगेन मैं इस पर सर 20% का ROE कमाता हूँ। सर आप देखें तो मेरे प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और सर मेरे पास 60% डिविडेंड, तो मैंने 139.97 का डिविडेंड दिया। सर मेरे पास इन तीन सालों में जो तीसरे साल का रिटेन प्रॉफिट था वो 93.31 था। सर मेरे पास एसेट्स, नेट एसेट्स बढ़ के 1259.71 हो गए। डन। अब मैं जाता हूं सर ईयर फोर पे 1259.71। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसको इतने साल क्यों लेके जा रहा हूं, ड्रैग क्यों कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे जाने दे इसको, पांच साल का डाटा कंप्लीट होने दे, एक हमारा फंक्शन हमने डेवलप करना है इसे। ठीक है, 251.94 और सर मैंने इसमें से डिविडेंड बांटा है 151.17। ऐसा सर अगर मैं नेट करूं मेरे पास इन दो सालों का, सॉरी ईयर फोर का जो प्रॉफिट है सर मेरे पास नेट बचता है 100.78 और सर मेरे पास जो टोटल नेट नेट एसेट्स बचते हैं सर वो बचते हैं अराउंड 1360.49। ऐसा जी, सर अगर मैं फिफ्थ ईयर पे जाऊं जो कि लास्ट ईयर है सर 1360.49 से मैंने स्टार्ट लिया, 20% 272.1 मैंने प्रॉफिट कमाया। सर मुझे इस पे तरह गाइड करेंगे, मेरे पास डिविडेंड कितना है सर 163.26। सर अगर मैं इन दोनों को नेट करता हूं तो मेरे पास सर 108.84 ये रिटेन प्रॉफिट है। सर मेरे पास जो नेट एसेट्स हैं वो हो जाते हैं 1469.33। आप चेक करें सर इस कंपनी के डिविडेंड्स कॉन्स्टेंट नहीं है बल्कि कंटिन्यूसली ग्रोइंग है, हर साल इसका डिविडेंड ग्रो कर रहा है हर साल। ठीक है जी, तो मुझे एक बात बताएं, क्या अब मैं यहां पर ये वाला फंक्शन लगा सकता हूं मार्केट वैल्यू निकालने का कि मार्केट वैल्यू बराबर है डिविडेंड डिवाइडेड बाय के? नो सर, नो, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों भाई? डिविडेंड कांस्टेंट होगा तो ये फंक्शन लगेगा, जब डिविडेंड कांस्टेंट नहीं है तो ये फंक्शन नहीं लग सकता। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो ग्रोइंग डिविडेंड्स की मार्केट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू निकाल सके। अच्छा जी, पहले सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लो कि कंपनी के डिविडेंड्स का ग्रोथ रेट क्या है, ये आइडेंटिफाई कर लो। अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई होगा ये? भाई हमारा डिविडेंड 120 रुपए का था पहले साल के एंड में और सर पांचवें साल के एंड में ये 163 का हो गया। तो पहले साल के एंड से अगर मैं पांचवें साल के एंड तक काउंट करूं ना तो ईयर टू, क्योंकि पहले साल का एंड ईयर जीरो हो गया, सर ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर और ईयर फाइव, चार सालों में ये डिविडेंड 120 रुपए से उठ के 163.26 पे जा चुका है। तो अगर मैं डिविडेंड की हिस्टोरिकल ग्रोथ देखूं तो मैं कहूं जी डिविडेंड नाउ, आज जो हमने डिविडेंड दिया वो कितना है सर? दिस इज 163.26। सर डिविडेंड फोर ईयर्स अगो, इसको मैं नाम दे रहा हूं रेफरेंस डिविडेंड। सर इसके बीच में टाइम गुजरा है चार साल, पांच नहीं, ये पहले साल का एंड है, पहले साल की शुरुआत नहीं है, पहले साल के एंड से पांचवें साल का एंड इज इफेक्टिवली चार साल। पहले साल के एंड से शुरू करोगे तो दूसरे साल का एंड, तीसरे साल का एंड, चौथे साल का एंड, पांचवें साल का एंड। डन। अब बताएं जी मैं क्या करूं सर? सर आप रेट निकाल लें, वो क्या रेट है, वो क्या रेट है जिसने 120 रुपए के डिविडेंड को पता नहीं चार सालों में 163.26 कर दिया? वो रेट क्या था ग्रोथ का जिससे डिविडेंड ग्रो हुए? सर अगर वो ग्रोथ रेट निकालने आप जाए ना इससे,
तो आपको मिलेगा एग्जैक्टली कोई 8%। डन, क्या मिलेगा? 8%। सर 8% कंपनी के डिविडेंड्स की ग्रोथ रेट है। मेरी अजम्पशन है कि ये आगे भी ग्रो करेंगे, मेरी अजम्पशन है कि ये आगे भी ग्रो करेंगे, ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ सर, डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू, डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू कंपनी की मार्केट वैल्यू है। अच्छा, इस वक्त मैं खड़ा हूं सर यहां पर ईयर 5 में, और अभी अभी मैंने डिविडेंड पे किया कितने का, 163.26, अभी, अभी अभी पे हुआ है। तो मुझे एक बात बताएं, अगर अब ये फंक्शन नहीं लग सकता तो फिर कौन सा फंक्शन लगेगा? सर अब फंक्शन लगेगा सर प्रेजेंट वैल्यू बराबर है D1 अगले साल का डिविडेंड, क्योंकि अगला डिविडेंड पहला डिविडेंड होगा, डिवाइडेड बाय KE माइनस जी, बस सिर्फ माइनस करना जी, ये ग्रोथ रेट के इंपैक्ट को अकाउंट फॉर कर लेगा सर, ठीक है जी। अब बताएं जी हमारा D1 कितना है? सर अगर मैं यहां मौजूद हूं तो वह D1 तो अगले साल का डिविडेंड होगा, तो वो कैसे निकलेगा सर, वो कैसे निकलेगा? ये हमारा डिविडेंड है करंटली 163.26। तो मैं क्या कर सकता हूं सर, D1 इफेक्टिवली इज D0 1+G। भाई अगले साल के डिविडेंड से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना, पहला डिविडेंड तो अगले साल आ रहा है, ये वाला डिविडेंड तो तुम खा चुके हो ना भाई, अगले साल का जो डिविडेंड है इट वुड बी द फर्स्ट डिविडेंड अगर मैं शेयर खरीदता हूं आज। तो मुझे एक बात बताएं सर, वो डिविडेंड कितना होगा? दिस इज D0 यानी आज का डिविडेंड इंटू 1+G डिवाइडेड बाय KE माइनस जी। अच्छा D0 है कितना सर? D0 कितना है मेरे बच्चों? D0 है सर मेरे पास 163.26 मल्टीप्लाई बाय 1+ ग्रोथ रेट 8% डिवाइडेड बाय KE। क्या रखें सर KE? सर पेपर में दिया हुआ होगा, अस्यूम करो KE है 15% माइनस 8%, 15% माइनस 8%। अब बताएं सर अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है सर, मल्टीप्लाई बाय 1.08 डिवाइडेड बाय 15% चलिए मेरे पास आता है 2519 सर, ये कंपनी की वैल्यू है। अच्छा ये वैल्यू ज़्यादा क्यों है सर? ये वैल्यू इसलिए ज़्यादा है सर क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स और कंपनी के डिविडेंड्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, और उन ग्रोइंग डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालने के लिए एक छोटा डिस्काउंट रेट इस्तेमाल किया है। वो इसलिए कि कंपनी के डिविडेंड्स ग्रो करेंगे तो डिस्काउंट रेट अगर आप डायरेक्ट 15% से करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड कॉन्स्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये कि सर हमारे पास एक फंक्शन जहन में बैठ गया कि D0 इंटू 1+ ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय KE माइनस जी इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। अगर आप लोगों को बचपन का क्यूटी का लेक्चर याद है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फंक्शन है सर, अगर यानी ज्योमेट्रिकली चीजें ग्रो कर रही होंगी एक कांस्टेंट रेट से तो उस एनुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी, ऐसा। ये बात समझ आती है सर? ये बात भेजे में बैठती है सर? इसको अच्छे तरीके से ग्रास्प करें। याद रखिएगा अगर कंपनी के डिविडेंड्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, नो ग्रोथ, कांस्टेंट डिविडेंड है, तो सर मेरे पास D into KE, ये मेरे पास मार्केट वैल्यू का तरीका है सर। कांस्टेंट ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ के लिए सर D0 into 1+G, अगर ईयर 1 का डेटा अगले साल का डिविडेंड अवेलेबल है वो ले लो डिवाइडेड बाय KE माइनस जी, बस ये फंक्शन है। अगर ग्रोथ रेट जीरो होता, डिविडेंड ग्रो नहीं कर रहे होते तो ये भी जीरो हो जाता, ये भी जीरो हो जाता, फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाता, पक्का। सर इसको अच्छे तरीके से ग्रास्प करें, नोट करें, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। नोट कर लें, हम कुछ सवाल सॉल्व कर लें। अच्छा जी आए जरा कुछ सवाल इस पर सॉल्व करें। सवाल पर मूव करने से पहले ये टेबल जहन में रखिएगा, हमने यहाँ डिविडेंड्स को ग्रो होते हुए देखा है, ये कंपनी कॉन्स्टेंट डिविडेंड नहीं देती, इसलिए कि इस कंपनी के डिविडेंड्स जो 120 रुपये से शुरू हुए थे ये ग्रो करते करते 163 पे पहुंच गए। आखिर कैसे? देखिए जो कंपनी अपना प्रॉफिट 100% नहीं बांटती है ना, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उसने थोड़ा प्रॉफिट बांटा, थोड़ा रिटेन कर लिया, जब रिटेन किया ना तो कंपनी ऑर्गेनिकली ग्रो करना शुरू हो जाती है, ग्रो करती है, अगली दफा ज़्यादा प्रॉफिट, रिटेन किया फिर ज़्यादा प्रॉफिट, रिटेन किया फिर ज़्यादा प्रॉफिट।
तो होता यह है कि इवेंचुअली सर एक पॉइंट पे आके वो अगर कॉन्स्टेंट डिविडेंड दे रही होती उससे ज्यादा डिविडेंड देना शुरू कर देती है, ठीक है जी। यानी सर इतना ग्रो कर जाती है कंपनी। अब सर याद रखिएगा, ग्रोथ जब पॉसिबल है जब आप रिटेंशन करेंगे। अगर आप रिटेंशन नहीं कर रहे तो फिर आपके लिए डिविडेंड्स में ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, एक अमेजिंग चीज और भी देखेंगे हम सर। अगर आपने ग्रोथ रेट इसमें कैलकुलेट किया वो निकला कोई 8%, यहां आपने कैलकुलेट किया था सर 8%। देखिए इस एग्जांपल में अगर आप चेक करें ना तो ये 120 से लेके 4 सालों में 163 तक गया है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ देखेंगे ना तो ये 8% ही रहेगा। सर 120 को 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे 129.6 ही बनेगा। सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.08 से तो 139.97 ही बनेगा एंड सो ऑन। लेकिन ये याद रखिएगा कि एग्जाम में ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर शायद ग्रोथ कांस्टेंट ना हो तो हम वहां क्या करेंगे, हम ये देखेंगे 4 साल 5 साल के पैच पे एवरेज ग्रोथ रेट क्या रही है और हम अज्यूम करेंगे कि आगे भी एवरेज ग्रोथ रेट यही रहेगी, ठीक है। आए जरा एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, मुझे आप बताएं इसमें डिविडेंड्स ग्रो हो रहे हैं? हाँ सर, बताएं ग्रोथ रेट क्या है। सर चेक कर लेते हैं भाई, मैं कह रहा हूं 50 रुपए का डिविडेंड 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल बाद जाके पता नहीं किस रेट से ग्रो हुआ, 4 साल बाद जाके 63.12 पे आ गया। अगर आप इसको ग्रोथ रेट के लिए सॉल्व करो ना मेरे बच्चों तो ये ग्रोथ रेट आएगा 6% ऐसा। और चूंकि सवाल मैंने खुद बनाया है तो देखिए यहां हमने इंश्योर भी किया है कि सर 50 से 6% ऊपर जाओगे तो 53 का 6% बढ़ाओगे तो 56.18 6% सारी जगहों पे ग्रोथ रेट कांस्टेंट है 6%। बट आई एम टेलिंग यू दिस विल नॉट बी द केस, दिस माइट नॉट बी द केस इन द एग्जाम। आपने इसीलिए क्या करना है सर, पहले पॉइंट से लेके डायरेक्ट चौथे पॉइंट तक आना है और देखना है 4 सालों में कितनी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ आई है और आपने अज्यूम करना है कि आगे सालों में भी यही कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रहेगी, ठीक है जी। अच्छा जी, तो सर ये जो ग्रोथ रेट का फंक्शन है इसको जरा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, मैं कह रहा हूं जी ग्रोथ रेट बराबर है लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट डिविडेंड। ओल्डेस्ट कितना है भैया 50 रुपए, ठीक है। लेटेस्ट डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट, ठीक है जी। रेस टू द पावर 1/(n-1)। आप चेक करें ना तो ये इसी फंक्शन का सर क्या कहते हैं उसको, रीअरेंजमेंट है। आइए जरा चेक करें सर, ग्रोथ रेट ऐसी आ रहा है। ग्रोथ रेट यानी जी बराबर है 63.12 डिवाइडेड बाय 50 raised to the power 1/4-1। सर दिस वुड डेफिनेटली बी 6% पक्का जी। तो आपने डिविडेंड्स की ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना सीख लिया सर। जब भी डिविडेंड की ग्रोथ रेट आपको जब भी आपको सवाल दिया जाएगा जिसमें डिविडेंड चेंज हो रहे होंगे तो आप अज्यूम करेंगे कि डिविडेंड का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है 4-5 साल के ऊपर इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी। सर एक सवाल और देखते हैं, इसको पहले आप कॉपी करें सर, मैं इसको जरा सा ऐसे कर रहा हूँ, मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसको कॉपी करें, वीडियो यहीं पॉज करें। अच्छा जी सर, हम दोबारा बढ़ते हैं जनाब। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने और आ चुका है। देखिए दो कंपनीज हैं, आपको दोनों कंपनीज का ग्रोथ रेट मालूम करना है। चलें जी, पहले हम उठाते हैं सर कंपनी ए को। डिविडेंड से सर ये, ठीक है जी। सर कंपनी ए ने 80 रुपए का डिविडेंड दिया और वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 4 साल में ग्रो करता हुआ सर पहुंच गया 112.93, ठीक है जी। दूसरा तरीका ये था कि हम इसको उस वाले फंक्शन से करते जो हमने यहाँ देखा था, ये फंक्शन चाहो तो ऐसे ही लिख लो यार, टाइम नहीं है। तो ग्रोथ रेट क्या भैया इसके अंदर, अगर आप इसको ग्रोथ रेट के लिए सॉल्व करोगे तो मेरे बच्चों आपके पास ग्रोथ रेट इसके अंदर आएगा गालिबन 9%। चेक कर लें, ठीक है। अच्छा 9 जब आएगा ना तो यार 9% यहाँ भी 9% है, यहाँ भी 9% है, यहाँ भी 9% है, यहाँ भी 9%। आप चेक कर लो, आप इसको 1.09 से मल्टीप्लाई करो 87 आ जाएगा, इसको 1.09 से मल्टीप्लाई करो
ये आ जाएगा, इसको 1.09 से मल्टीप्लाई करो, उसको 1.09 से मल्टीप्लाई करो। मैंने सवाल में इंश्योर किया कंपनी ए का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ रेट है और कंपनी का ग्रोथ रेट वो सेम रहा है, नॉट इन केस ऑफ कंपनी बी। अगर आप कंपनी बी को देखें ना, कंपनी बी आपको थोड़ा सा डिफरेंट चीज दिखाएगी। सर 70 रुपए से 4 सालों में डिविडेंड 93.48 पे आ गया, पता नहीं क्या ग्रोथ रेट है 4 सालों में, दिस इज 93.48। अब बता ग्रोथ रेट कितना है सर इसके अंदर? सर मेरे पास ग्रोथ रेट इसमें आ रहा है 7.5, ठीक है जी यार। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो पहले साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% की ग्रोथ है, ठीक है जी। 10% के बाद सर फिर हमारे पास गालिबन कोई 6% की ग्रोथ है, ठीक है जी, 7% की ग्रोथ है इनफैक्ट, फिर 7 के बाद 6% की ग्रोथ है, फिर कोई 7.5%, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट नहीं है। लेकिन हमने एक वेटेड एवरेज ग्रोथ रेट निकाल दिया 7.5 4 सालों पे। अब आपने अज्यूम करना है कि इस कंपनी का डिविडेंड्स आगे इसी रेट से ग्रो करेंगे। अल्लाह के वास्ते आपने पहला और आखिरी डिविडेंड उठाना है और ग्रोथ रेट निकालना है बस, ठीक है जी। सर इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, मैं इसको ज़रा सा इसका व्यू छोटा कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसको नोट कर लें सर जब तक हम रुके हैं। अच्छा जी, अगर एक स्टेप और आगे हम जाते हैं सर, तो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन और आ रहा है सर, और ये क्वेश्चन हमारे पास सर मूसा एंड कंपनी का, ठीक है जी। इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं हम सर, मैं इसको रीड कर रहा हूँ जनाब। ये कह रहा है मूसा एंड कंपनी स्टार्टेड बिजनेस विद एक्विटी कैपिटल ऑफ 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का एक्विटी कैपिटल था। द कंपनी इज इन बिजनेस विद द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%, ठीक है जी। आप हर साल 15% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमा रहे हो, ठीक है। शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रिटर्न इज 10%, ठीक है जी, ठीक है जी। सर मुझे बताएं, अगर 1 लाख रुपए का सर मेरा कैपिटल है और मेरा आरओई 15% है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा सर। यानी कंपनी अपने नेट एसेट्स के ऊपर इतने पैसे कमा रही है, कितने जी, कितना जी, 15,000, ठीक है जी। तो सर 15,000 रुपए का मेरे पास आता है प्रॉफिट, ठीक है जी। अब बताएं इस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है किस एक्सटेंट तक, ये कंपनी की पॉलिसी है सर। केस ए, कंपनी 100% प्रॉफिट उठा के बांट देती है, केस ए 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है जी। अब अगर 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है मेरे बच्चों, तो क्या होगा सर, यही प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है जी। अब बताएं सर, कंपनी का इन्वेस्टर का जो रिक्वायर्ड रिटर्न है के ही, वो है 10%। तो बताएं सर, अगर कंपनी कोई रिटेंशन नहीं करती, सारा प्रॉफिट बांट देती है, तो सर मैं मार्केट वैल्यू निकालूंगा डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। डिविडेंड कितना सर मेरे पास, 15,000, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10%, सर मेरे पास ये आ जाएगा मार्केट वैल्यू सर 1.5 लाख रुपए, ठीक है जी। ये उस केस में है जब कंपनी अपना सारा प्रॉफिट उठा के डिस्ट्रीब्यूट करती है, ग्रो करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यार। फिर सर अगर मैं केस बी में देखूं, तो कंपनी क्या कर रही है सर, कंपनी 60% प्रॉफिट बांटेगी। इसका मतलब ये कि सर कंपनी ने अब ग्रो करना है, ठीक है जी, ग्रोथ करनी है सर, कंपनी 60% प्रॉफिट बांटेगी। तो मुझे एक बात बताएं सर, मुझे अब ग्रोथ रेट निकालना है सर, ग्रोथ रेट निकालना है सर मुझे। सर मुझे ग्रोथ रेट निकालने का एक फंक्शन तो पता था जब मेरे पास डिविडेंड्स की हिस्ट्री थी, आप हिस्टोरिक डिविडेंड से ग्रोथ रेट निकाल सकते। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले सवाल में जाऊं या ऊपर एक जो मैंने डेटा रखा था उस पे जाऊं, सर कहां गया वो डेटा, सर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा सर, ये रहा। तो मैं एक और फंक्शन भी सीख सकता हूं सर इससे। मैं ये डाटा नीचे लेके जा रहा हूं ताकि एक फंक्शन में आपको समझा सकूं, ये डाटा मैं नीचे लेके जा रहा हूं कॉपी करके, ठीक है, ये मैंने किया कॉपी। सवाल के दौरान एक छोटी सी चीज सीखना पड़ गई है सर हमें, ये मैं यहां ले आता हूं सर, मैं करता हूं पेस्ट, ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूं, गौर से देखना, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे बताओ सर ये कंपनी जो डिविडेंड दे रही है उसकी हिस्ट्री मौजूद है, हाँ तो हिस्ट्री मौजूद है तो आप आराम से डिविडेंड्स की से ही जो है वो ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। लेकिन
अगर डिविडेंड की हिस्ट्री नहीं है तो एक और तरीका है सर। सर एक बंदा था, एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था गॉर्डन, ठीक है जी। गॉर्डन ने क्या कहा? गॉर्डन ने कहा जी किसी भी कंपनी के डिविडेंड्स का, प्रॉफिट्स का ग्रोथ रेट है बी इंटू आर। अब ये क्या है भाई बी इंटू आर? बी का मतलब है रिटेंशन रेशो, आर का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कमा कितना रहे हो उसमें से बांटोगे कितना, वो तो चला जाएगा शेयर होल्डर के पास, जो बच जाएगा ना वो सर अगली दफा यूज होगा मजीद कमाने के लिए। तो हमने देखा सर हमारे पास इस सवाल में रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा था कोई 20%, और कंपनी अगर 60% बांट रही थी तो 40% रिटेन कर रही थी। तो ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए बी इंटू आर, बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो। अब अगर मैं रिटेंशन रेशियो निकालूं तो सर मेरे पास 40% बनता। आरओई मेरे पास कितना है सर? आरओई मेरे पास सर 20% है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं ना तो मेरे पास सर 8% का ग्रोथ रेट आता है। यही वो ग्रोथ रेट है जो थोड़े टाइम पहले आपने डिविडेंड्स की ग्रोथ से निकाला था, ठीक है जी। याद रखना दोनों से जरूरी नहीं है कि ग्रोथ रेट सेम आए, लेकिन सर चूंकि हमने डाटा ऐसा लिया है कि दोनों से ग्रोथ रेट सेम ही आएगा, ये हमने इंश्योर किया सर, लेकिन जरूरी नहीं है कि ग्रोथ रेट दोनों मेथड से सेम है, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास ग्रोथ रेट आ गया ही। अब आए तरह ऊपर सवाल में, देखिए ये कंपनी 15% का रिटर्न बांट, 15% जो है वो आरओई कमा रही है, ठीक है जी। अगर ये कंपनी आरओई कमा रही, क्वेश्चन के अंदर सर हम आते हैं दोबारा, इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 15%। इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है सर? ये कंपनी सोच रही है मैं 60% पे आउट करूं तो बताओ रिटेंशन कितना होगा, रिटेंशन रेशियो कितना होगा? सर रिटेंशन रेशियो होगा 40%। तो अगर मैं इसका ग्रोथ रेट निकालने जाऊं डिविडेंड्स में तो सर 15% मल्टीप्लाई बाय 40% वुड बी 6%। सर 6% इसकी ग्रोथ रेट है। किस सवाल में? किस सवाल की? सर इस सवाल की। 15% आरओई, ठीक है जी, 60% का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, तो 40% रिटेन करते होंगे। तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर 6% ग्रोथ आ गई है, अब बताएं सर कंपनी का डिविडेंड कितना है? सर देखिए सर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 1,00,000 का 15%, दैट इज 15,000। इसका 60% कंपनी ने क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज 9,000। अब बताएं सर मैं कंपनी की मार्केट वैल्यू निकाल रहा हूं, मार्केट वैल्यू बराबर है डी नॉट इंटू 1+ ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के माइनस ग्रोथ रेट। अगर ये ग्रोथ रेट जीरो होता दिस फंक्शन वुड हैव बीन रिड्यूस टू मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय डी डिवाइडेड बाय के, पक्का। लेकिन सर मुझे एक चीज ये बताएं, अगर मैं आपसे कहता हूं भैया डिविडेंड कितना है जी, आप कहोगे इस दफा 9,000, 15 नहीं है भाई, ग्रोथ रेट कितना है? सर ग्रोथ रेट 6% है डिवाइडेड बाय के, 15% है सर माइनस 6%, ऐसा है। मुझे बताएं इसे क्या आती है वैल्यू सर? के 15% 10% है सर, के 10% है, सॉरी 10% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%, ठीक है। सर मेरे पास कितने आ रही मार्केट वैल्यू? सर दिस इज 238,500 विच इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द मार्केट वैल्यू दैट वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट के कंपनी कोई रिटेंशन नहीं कर रही, ठीक है जी। सर दोनों तरीकों में देख लीजिएगा, ठीक है जी, कंपनी की मार्केट वैल्यू जहाँ ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो ओवर द पीरियड कंपनी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज भी हो रही है। इसका इन्वेस्टर डिविडेंड थोड़ा खा रहा है लेकिन इंशाल्लाह कैपिटल गेन ठीक ठाक खाएगा, ठीक है जी। सर इस एग्जांपल को अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है जी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करें सर, वीडियो को जगह जगह पॉज करें, ठीक है जी, यहाँ से शुरू करें, वीडियो को जगह जगह पॉज करें, ठीक है, और इसका सोल्यूशन देखते जाएँ। ठीक है जी, अलैक्म जी। चलें सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब, इस वीडियो में हम ये देखेंगे आज के तीसरे लेक्चर के दौरान ही कि ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है, कितने पॉसिबल तरीके हैं ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने। अच्छा, आपने अभी तक ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के दो तरीके ऊपर देखे, उनको भी जरा मैं रिकॉल कर लूँ, ठीक है। ये वही डाटा जो आपने ऊपर देखा कि कंपनी ने 1,000 रुपये के कैपिटल से शुरू किया। सर जिस इंडस्ट्री में 1,000 रुपये कंपनी ने डाले
उसमें कंपनी को रिटर्न ऑन एक्विटी मिला 20% का अपने एसेट्स के ऊपर। कंपनी ने जो 200 रुपए का प्रॉफिट कमाया उसमें से कंपनी ने 60% प्रॉफिट बांट दिया, जो रह गया रिटेन हो गया। अगली दफा कंपनी ज्यादा एसेट्स के साथ इंडस्ट्री में उतर गई, ठीक है, तो सीधी सी बात है प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी एंड सो ऑन। तो हर साल का डिविडेंड ग्रो कर रहा है इसलिए कि कंपनी के नेट एसेट्स ग्रो कर रहे हैं, इसलिए कि कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं, कंपनी 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, ठीक है जी। आए इधर जनाब, सबसे पहला मेथड, मेथड वन, बड़ा आसान मेथड है सर। मेथड वन है हमारे पास हिस्टोरिकल डिविडेंड्स, कौन से, अब देखिए अगर मैं हिस्टोरिक डिविडेंड्स पे जाऊं तो आपने सिर्फ इस लाइन को फोकस करना है बस। बताएं जी कंपनी का डिविडेंड 120 रुपए आज, ठीक है जी, बताएं सर कंपनी किस रेट से ग्रो करी, कंपनी ने किस रेट से ग्रो किया इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड चार सालों में, एक साल, दो साल, तीन साल और चार साल, और ये डिविडेंड जाके बन गया 163.26। तो सर इसमें ग्रोथ रेट आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 8% आ रही होगी, ठीक। अच्छा, इस फंक्शन को मैं मैथमेटिकली समराइज करके ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है जी, कि ग्रोथ रेट बराबर है लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट डिविडेंड, ठीक है जी, रेस टू द पावर 1/(n-), ठीक है जी। ये देख लीजिएगा, ये ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का एक ऐसा फंक्शन है जो एग्जाम में अक्सर बेशतर इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमें एग्जाम में जनरली डिविडेंड्स की हिस्ट्री दी जाती है। डन। अच्छा जी, मेथड टू क्या है सर, अगर पेपर में डिविडेंड की हिस्ट्री ना दी गई हो तो आपने मेथड टू यूज करना है, प्रेफरेंस आपने मेथड वन को देनी, ठीक है। मेथड टू क्या है सर, मेथड टू है गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन ने क्या कहा सर, गॉर्डन ने कहा कि ग्रोथ रेट बराबर है रिटेंशन इनटू आरओई, ठीक है जी। बी का क्या मतलब है, रिटेंशन रेशियो। आर का क्या मतलब है सर, आरओई। डन। अच्छा जी, हमारे पास इस सवाल में चूंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो सर इस सवाल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास डिविडेंड का पे आउट रेशियो अराउंड 60% है, तो रिटेंशन रेशियो बन रहा होगा कोई 40%, ठीक है। रिटर्न ऑन एक्विटी अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास 20% का है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 20% से मल्टीप्लाई करूंगा ना मेरे बच्चों, तो मेरे पास ग्रोथ रेट एग्जैक्टली 8% आएगी, जो आपने अभी ऊपर सर डिविडेंड की हिस्ट्री से जो ग्रोथ रेट निकाला था उसमें देखा था, ठीक है। देखिए डेटा मैंने ऐसे सेट किया है कि सारों की फिगर सेम आ रही है, चाहे आप गॉर्डन के मॉडल से जाएं, चाहे आप जो है वो हिस्टोरिकल डिविडेंड से जाएं, अभी तक आपको डेटा सेम मिला है, क्योंकि डेटा मैंने सेट ही ऐसे किया, ठीक है जी। हर साल 20% का प्रॉफिट ही लिया है, हर साल 60% का पे आउट लिया है, तो सारे फंक्शन से ग्रोथ रेट सेम आएगा। दो मेथड हो गए सर। सर आए जरा तीसरे मेथड पे। अब देखें अगर आपको डेटा एग्जाम में गिवन है, डिविडेंड्स की हिस्ट्री गिवन है, आप पहले मेथड को प्रेफर करेंगे, नहीं गिवन है दूसरे मेथड को प्रेफर करेंगे गॉर्डन के मॉडल पे। तीसरे मॉडल पे हम जाते हैं सर, तीसरे मेथड पे, मेथड थ्री। सर मेथड थ्री जो हमारे पास है इसमें हम करेंगे ये कि रादर देन के डिविडेंड्स के हम ग्रोथ को देखें, हम एक काम करते हैं, हम प्रॉफिट्स के ग्रोथ को देखते हैं। सर प्रॉफिट जिस स्पेस से ग्रो कर रहा है, और अगर कंपनी की सर एक कॉन्स्टेंट रेट से डिविडेंड पे आउट पॉलिसी है, जैसे यहां 60% है, तो आप प्रॉफिट के ग्रोथ रेट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो डिविडेंड के ग्रोथ रेट से, ठीक है जी। यानी आप अज्यूम कर सकते हो कि जो प्रॉफिट का ग्रोथ रेट है वही डिविडेंड का ग्रोथ रेट। उसकी वजह ये कि अगर मैं एक कॉन्स्टेंट रेट से पैसे कमा रहा हूं और उसमें से एक पोर्शन कंटिन्यूअसली डिविडेंड के तौर पर दे रहा हूं, जो बाकी का पोर्शन बच रहा है 40%, अगली दफा वो भी प्रॉफिट कमाने के काम आ रहा है, तो सीधी सी बात है सर, अगर मैंने यहां पर 40% प्रॉफिट रोका, ठीक है जी, ये 40% प्रॉफिट रोका, तो अगले साल ये 40% प्रॉफिट सर मेरे पास एसेट्स की सूरत में आ रहा होगा, और सर इस पे मैं 20% कमाई करूंगा तो मेरे पास 8% की ग्रोथ रेट कंटिन्यूअसली आती रहेगी। सर मेरे प्रॉफिट्स भी उसी रेट से ग्रो करेंगे
जिस रेट से मेरे डिविडेंड्स ग्रो कर रहे हैं, और सर सीधी सी बात है मेरे एसेट्स भी उस रेट से ग्रो कर रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, हम तीसरे मेथड पे जाते हैं, दैट इज प्रॉफिट ग्रोथ। आप बताएं सर, मेरे पास जो प्रॉफिट है वो 200 रुपए का था और चार साल में 272.1 पे जा चुका है। 200 रुपए का प्रॉफिट चार साल में 272.1 पे जा चुका है, तो इसमें ग्रोथ रेट कितनी है सर? आप वर्कआउट करेंगे सर, यू विल गेट दी सेम एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ 8%। ठीक है सर, अगर मैं एक फंक्शन बनाना चाहूं इसी फंक्शन को, तो मैं कहूंगा सर मेरे पास ग्रोथ रेट बराबर है सर लेटेस्ट प्रॉफिट जो कि 272 रुपए डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट प्रॉफिट रेस टू पावर 1/(n-1)। ठीक है जी, आप इस फंक्शन में डाटा डालें, आपको यही ग्रोथ रेट नजर आ जाएगा 8% का, आप चेक करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो सर प्रॉफिट्स के ग्रोथ रेट से भी हम निकाल सकते हैं सर। सर हमारा चौथा मेथड, अगेन काम चलाऊ मेथड, कुछ नहीं है तो ये मेथड यूज करना, मेथड 4। वो क्या है सर मेरे पास? ग्रोथ ऑफ नेट एसेट्स। अगर मैं आपसे कहूं भैया हमने कितने रुपए से बिजनेस शुरू किया था, तो आप कहोगे जी हमने बिजनेस शुरू किया था 1000 से। पहले साल की ग्रोथ, दूसरे साल की ग्रोथ, तीसरे साल की ग्रोथ, चौथे साल की ग्रोथ और पांचवें साल की ग्रोथ, 5 साल नेट एसेट्स ग्रो हुए। देखिए प्रॉफिट हम 4 साल ले रहे थे, क्योंकि प्रॉफिट पहले साल के एंड पे आया था, पहले साल का एंड ईयर 0 हो गया, फिर ईयर 2 1 हो गया, 3 4 5 4 साल। लेकिन सर नेट एसेट्स आपके ईयर 0 से आपके पास मौजूद है 1000 रुपए के, ईयर 0 से नहीं पहले साल के स्टार्ट से। तो मुझे बताएं सर वो क्या रेट है जो 1000 रुपए के नेट एसेट्स को 5 सालों में 1469.33 पे ले जाए, वो क्या रेट है? क्या रेट है जो 1000 रुपए के कैपिटल को 5 सालों में 1469.33 पे ले जाए? ऐसा अगर आप इसको वर्कआउट करेंगे, यू विल गेट दी एग्जैक्ट सेम परसेंटेज ऑफ वेट। ठीक है जी, अब बताएं सर अगर मैं इसके लिए फंक्शन बनाने जाऊं, तो मैं फंक्शन बनाऊंगा जनाब ग्रोथ रेट बराबर है किसके सर? लेटेस्ट नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट नेट एसेट्स 1/(n-1)। ठीक है जी, आप ऐसे भी करेंगे तो सेम, यानी आप डिविडेंड की ग्रोथ ले लें, प्रॉफिट्स की ग्रोथ ले लें, नेट एसेट्स की ग्रोथ ले लें, एक ही बात है, या गॉर्डन्स का मॉडल अप्लाई कर लें। ठीक है जी, 4 मेथड हो चुके हैं सर हमारे पास। सर मैं जा रहा हूं जनाब 5th मेथड पे। मेथड फाइव है सर रिटेन्ड प्रॉफिट टू ओपनिंग नेट एसेट्स रेशियो। क्या मतलब सर? गौर से देखिएगा। देखें, गॉर्डन ने एक फंक्शन पेश किया, गॉर्डन ने कहा ग्रोथ रेट बराबर है बी इंटू आर। बी हमारे पास ठहरा रिटेंशन रेशियो, यानी कितने परसेंट हम अपने प्रॉफिट का रिटेन करते हैं सर। आर हमारे पास ठहरा रिटर्न ऑन एक्विटी। अगर मैं इस रिटेंशन रेशियो को एक्सप्लेन करूं, तो मैं कहूंगा जनाब रिटेन्ड प्रॉफिट ओवर टोटल प्रॉफिट, ऐसा। और सर मैं आरओई को एक्सप्लेन करूंगा टोटल प्रॉफिट ओवर ओपनिंग नेट एसेट्स। ठीक है जी, ओपनिंग नेट एसेट्स पे आपने कितने का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब बताएं जनाब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं ना, तो मेरे पास एक चीज मुझे कैंसिल होती हुई नजर आ रही है, और मुझे सर ये गॉर्डन का मॉडल रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। किसमें? रिटेन्ड प्रॉफिट्स ओवर ओपनिंग नेट एसेट्स। ठीक है जी, अब बताएं सर अगर मैं आपसे कहूं प्यारे भाई मेरे पास रिटेन्ड प्रॉफिट है कितना,
किसी भी एक साल का उठा लें, किसी भी एक साल का, बेहतर ये कि लेटेस्ट ईयर का उठा लो। रिटेन प्रॉफिट सर 108.84, रिटेन ओपनिंग नेट एसेट्स 1360.49, 108.84 डिवाइडेड बाय 1360.49। अगर मैं इसको वर्कआउट करूं सर तो मेरे पास 108.84 डिवाइडेड बाय 1360.49 सर, ये मेरे पास एग्जैक्ट 8% बनेगा सर। आप इसको भी चेक कर सकते हैं ऐसा। तो सर इसका मतलब ये है कि मेरे पास ग्रोथ के अराउंड कोई 5 के करीब फार्मूला डेवलप हो चुके हैं, ठीक है जी। और मैं अगर इन फार्मूला को समराइज करूं तो सर मेरे पास डिविडेंड की हिस्ट्री बेसिस पे है, ये क्या हमने पढ़ा सर, ग्रोथ रेट बराबर है लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट डिविडेंड 1/(n-1)। ठीक है जी। फिर हमने अपना सेकंड फंक्शन पढ़ा, कौन सा सर, गॉर्डन्स मॉडल। सर हमने पढ़ा ग्रोथ रेट बराबर है बी इंटू आर, बी बीइंग द रिटेंशन रेशो और आर बीइंग द रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है जी। सर हमने तीसरा मॉडल पढ़ा प्रॉफिट ग्रोथ। सो हमने क्या देखा सर, हमारा ग्रोथ रेट बराबर है लेटेस्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट प्रॉफिट 1/(n-1)। ठीक है जी। सर हमने चौथा मेथड देखा, दैट इज नेट एसेट्स की ग्रोथ। यहां हमने देखा जनाब हमारे पास ग्रोथ रेट बराबर है लेटेस्ट नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट नेट एसेट्स 1/(n-1)। ठीक है जी। फिर हमने सर आखिरी मेथड देखा, रिटेन्ड प्रॉफिट टू ओपनिंग नेट एसेट्स। ये कैसे निकलेगा जनाब, ग्रोथ रेट बराबर है रिटेन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग नेट एसेट्स। ठीक है जी। सर आई होप ये ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का सारा फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये 5-6 तरीकों में आपने प्रायोरिटी देनी है डिविडेंड के ग्रोथ मॉडल को, उसके बाद गॉर्डन मॉडल को, और फिर उसके बाद आप किसी भी सीक्वेंस में बाकी का मॉडल, बाकी के यूज पिक कर सकते हो, बाकी के जो है वो फंक्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। डिविडेंड का ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना इसलिए जरूरी है ताकि हम मार्केट वैल्यू निकाल सके कंपनी की, फंक्शन से प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें ग्रोथ रेट की जरूरत पेश आती है। ठीक है जी। इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। थैंक यू जी। चलिए जी, एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं जनाब। हमारे पास एक कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं 300,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, जिनकी एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू 1.35 पर शेयर। एक्स डिविडेंड का मतलब है अभी 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 थोड़े टाइम पहले ही हमने डिविडेंड दिया है। अच्छा, डिविडेंड देने से हम सबको पता है कि कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू नीचे आ जाती है। मिसाल के तौर पर कंपनी का एक शेयर था 10 रुपये का साल के स्टार्ट में, कंपनी प्रॉफिट कमाती रहेगी, शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। कंपनी ने 3 रुपये का प्रॉफिट कमाया, मिसाल दे रहा हूँ, और इस शेयर की प्राइस हो गई 13 रुपये। हर शेयर पर कंपनी ने 3 रुपये का प्रॉफिट कमाया। 2 मिनट के लिए ज़ूम करें कि 10 रुपये का शेयर 13 रुपये पहुंच गया, डन। अब शेयर होल्डर कह रहे हैं जी मुझे प्रॉफिट दो, कंपनी ने उठा के हर शेयर पे 2 रुपये का डिविडेंड दे दिया, ये शेयर प्राइस इमीडिएटली गिर के 11 पे आ जाएगी। इसका मतलब है डिविडेंड देने से शेयर की प्राइस एडजस्ट हो जाती है, नीचे आ जाती है। ये इमीडिएटली डिविडेंड देने के बाद की प्राइस है। ठीक है जी। तो मैं डाटा लिखता जाता हूँ सर, मेरे पास डाटा सर मेरे पास है क्या सर, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने जी, 300,000। ठीक है। एक शेयर की मार्केट वैल्यू मेरे पास है 1.35 रुपये। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी बता सकते हो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सर
1.35 को 3 लाख से, तो मेरे पास आता है सर कोई 4,05,000 रुपए का अमाउंट। ठीक है, अब आगे जाते हैं जनाब। इस 4,05,000 रुपए की मार्केट वैल्यू पे इस कंपनी ने 50,000 रुपए का डिविडेंड अभी अभी दिया, जस्ट पेड, और कंपनी के प्रॉफिट थे 75,000। तो एक काम करते हैं जनाब, हम कंपनी का प्रॉफिट है 75,000, कंपनी ने इसमें से 50,000 रुपए का डिविडेंड दिया और कंपनी ने इससे कोई 25,000 रुपए का प्रॉफिट रिटेन किया। ठीक है जी, ये प्रॉफिट कंपनी ने क्या किया, रिटेन किया। वो कह रहे हैं भैया इसके नेट एसेट्स की वैल्यू ईयर एंड पे, साल के एंड पे 1.06 मिलियन है। इतनी बड़ी अमाउंट है सर नेट एसेट्स की, बुक वैल्यू सर क्लोजिंग नेट एसेट्स इस कंपनी के 1.06 मिलियन है, जबकि आप मार्केट वैल्यू देखें तो सिर्फ 4,05,000 रुपए। घटिया तरीन कंपनी है। ठीक है, कोई मसला नहीं। आपसे कहा जा रहा है जी कंपनी की मार्केट वैल्यू मालूम करें, क्या ये कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड देती होगी? नहीं सर, ये कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड इसलिए नहीं देती होगी कि प्रॉफिट कमाने के बाद 100% पे आउट नहीं किया। अब क्या करें, मालूम क्या करना है बताओ? मार्केट वैल्यू तो है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब देखें, मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम करनी है, मेरे पास मार्केट वैल्यू का फंक्शन है डिविडेंड इनटू 1+ ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के माइनस ग्रोथ। अभी अभी जो डिविडेंड दिया गया उसको अगर मैं 1+g से मल्टीप्लाई करूं अगले साल का डिविडेंड आ जाएगा और के माइनस सी। अब बताएं मेरे पास ग्रोथ रेट नहीं है। अच्छा, इस फंक्शन को हम रीअरेंज करके ना के ई के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, के ई के लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे सर? डी नॉट इंटू 1+ ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस ग्रोथ रेट। ये इसी फंक्शन से निकला है, बराबर वाला फंक्शन। अगर आपको के ई मालूम करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे मालूम कर सकते हैं। डन। चलो जी, अब बताएं सर मुझे क्या इस सवाल में डिविडेंड गिवन है? हाँ, 50,000 रुपए का डिविडेंड गिवन है, ग्रोथ रेट मालूम करना है। अब देखिए डिविडेंड की हिस्ट्री तो है नहीं, तो अब बताओ ग्रोथ रेट मालूम करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे? मैं यूज करूंगा सर ग्रोथ रेट के लिए गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स क्या कह रहा है सर? गॉर्डन क्या कह रहा है? जी इक्वल्स टू बी इंटू आर। अच्छा भाई, बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो। तो भाई 75,000 रुपए के प्रॉफिट में से तुमने रिटेन कितना किया सर? 25,000। 25,000 डिवाइडेड बाय 75,000। सर मैंने ऑलमोस्ट 33.33% रिटेंशन की है, 66.67% मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, आरओई कितना है भैया? आरओई कैसे आएगा सर? मेरे पास प्रॉफिट ओवर ओपनिंग नेट एसेट्स। बाबू ओपनिंग नेट एसेट्स तो नहीं है, मेरे पास तो क्लोजिंग नेट एसेट्स है। कर लेते हैं सर, नेट एसेट्स के लिए एक अकाउंट बना देते हैं। ये नेट एसेट्स भैया, ओपनिंग पता नहीं कितने थे, क्लोजिंग है मेरे पास 1,060,000। ड्यूरिंग द पीरियड आपने प्रॉफिट कमाया सर कितने का? 75,000 का, जिससे नेट एसेट्स बढ़े। सर ड्यूरिंग द पीरियड हमने कैश डिविडेंड पे किया कितने का? 50,000 रुपए का, इससे हमारे नेट एसेट्स कम हुए। तो मुझे बताओ अगर मैं वर्कआउट करूं तो सर मेरे पास ओपनिंग नेट एसेट्स आ जाएंगे 1,035,000। आप चेक कर लो, 1,035 में 75 का प्रॉफिट ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 111,000। ठीक है, माइनस 50,000, ये आ गया 1,060। डन। तो सर मेरे पास ओपनिंग नेट एसेट्स आ गया। अब बताएं मैंने प्रॉफिट कमाया 75,000 रुपए का, ओपनिंग नेट एसेट्स है मेरे पास कितने के? 1,035,000। तो मुझे बताएं मेरे पास सर आर ओ ई कितना आ रहा है जनाब? आर ओ ई देखो कितना आ रहा है सर इसमें, आर ओ ई आ रहा है 7.246। पक्का यही है? अब बताएं ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट बराबर है जी मेरे पास 33.33% का रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय आरओई 7.246। ऐसा बताएं सर मेरे पास ग्रोथ रेट क्या आ रहा है? ग्रोथ रेट इज 2.42%। डन। ये आ गई ग्रोथ रेट। अब के ही मालूम करना कंपैरेटिवली आसान है, चाहो तो आप इस फंक्शन से जाओ के ही निकाल लो, चाहो तो इस फंक्शन से जाओ। मैं इस फंक्शन से जा रहा हूँ सर। मुझे बताएं, मैं कह रहा हूँ जनाब
के ई बराबर है डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है जी, प्लस ग्रोथ रेट। बाबू अगर ये मार्केट वैल्यू आप इंटायर कंपनी की रखोगे तो ऊपर डिविडेंड भी इंटायर कंपनी का रखना, अगर मार्केट वैल्यू पर शेयर रखोगे तो डिविडेंड भी पर शेयर रखना। डिविडेंड है कितना सर? सर मेरे पास डिविडेंड है 50,000 रुपए का। ग्रोथ रेट पता है? सर मेरे पास ग्रोथ रेट मुझे बिल्कुल पता है 2.42% डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। सर मेरे पास 4,25,000, 4,25,000 था, कितना था? 4,15,000 था। कितनी जी मार्केट वैल्यू? 4,05,000। बताएं सर 4,05,000 के हिसाब से मेरे पास सर प्लस ग्रोथ रेट कितना जी? 2.42%। सर अगर मैं इसको वर्कआउट करूं तो सर मेरे पास 50,000 ये मेरे पास आता है अराउंड कोई 15.06%। सर इस सवाल को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये एक पेट एग्जामिनर एग्जाम क्वेश्चन का एक छोटा सा पोर्शन है, देख लीजिएगा सर इसमें केई किस तरह निकला है, खास तौर पे ग्रोथ रेट किस तरह मालूम किया हमने, ठीक है जी, गॉर्डन्स मॉडल से हमने मालूम किया, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी सर हमारे सामने फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये एक पेट क्वेश्चन है सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का, आप एक दफा इसे गो थ्रू हो जाएंगे तो फिर एग्जाम में सर के काफी सारे सिनेरियोज हैं, बड़े सवाल के छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो इंशाल्लाह आपको तंग नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये कह रहे जनाब यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टू कंपनीज विच बोथ आर फाइनेंस बाय इक्विटी कैपिटल, इनके पास सिर्फ शेयर्स हैं, सिर्फ इक्विटी और कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, एक शेयर की मार्केट वैल्यू दी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू आ जाएगी, डन। प्रॉफिट दिया हुआ है, उसी प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया है। फिर ये बताया कि सर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट डेट पे क्लोजिंग बुक वैल्यू नेट एसेट्स की कितनी, क्लोजिंग सर हमारे पास पुराना डिविडेंड भी दिया है, नया डिविडेंड भी दिया। तो एक काम करते हैं हम, इस सवाल में सबसे पहले देखते हैं रिक्वायर्ड क्या है। सर इसमें रिक्वायर्ड है दोनों कंपनी का आपको केई निकालना, अच्छा केई निकालना है तो, और चूंकि डिविडेंड सर कॉन्स्टेंट नहीं है, ग्रोइंग डिविडेंड्स हैं क्योंकि सर ये कंपनी प्रॉफिट रिटेन कर रही है, तो केई का फंक्शन बड़ा सिंपल होगा सर, डी इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस ग्रोथ रेट। ऐसा बेटा अगर आपके पास ये डिविडेंड इंटायर कंपनी का आपने ले लिया जैसे कि ये है, तो सर नीचे मार्केट वैल्यू भी इंटायर कंपनी की लेना, डन। और अगर डिविडेंड पर शेयर लिया है तो नीचे मार्केट वैल्यू भी कौन सी लेनी है, पर शेयर। चले सबसे पहले हम काम करते हैं, हम ट्रेंडी पे आते हैं सर, ट्रेंडी में देखें सर मेरे पास सबसे पहले ग्रोथ रेट, पहले बताओ मेरे बच्चों मेरे पास लेटेस्ट डिविडेंड कितना है, लेटेस्ट पूरा देखना सर, लेटेस्ट डिविडेंड है 6,158। सर मेरे पास ओल्डेस्ट 5 साल पुराना डिविडेंड, सवाल में एग्जामिनर लिख के दिया है 2,473 डिविडेंड 5 years ago, 5 years he has already mentioned it के 5 साल, चार नहीं करना अब यहां पे, ठीक है जी 2,473। अब भैया एक काम करता हूं मैं, ग्रोथ रेट बराबर है सर लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट, माइनस 1, डन। ग्रोथ रेट बराबर है 6,158, 2,473, 1/5 माइनस 1। सर अगर मैं ग्रोथ रेट इधर देखूं ना तो कंपनी का ग्रोथ रेट होना चाहिए 20.02%। दिस इज अ ह्यूज ग्रोथ रेट, ठीक है कोई टेंशन नहीं, ट्रेंडी का तो हिसाब किताब आ गया सर, ग्रोथ रेट आ गया। अब ट्रेंडी की क्या करें, केई निकाल लें, मार्केट वैल्यू तो हमें पता है, केई के लिए करेंगे क्या हम डिविडेंड इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय केई माइनस जी, ये मेरे पास मार्केट वैल्यू का फंक्शन है, लेकिन अगर मैं नीचे रख दूं सर मार्केट वैल्यू तो मेरे पास यही फंक्शन हो जाएगा किसका,
के ई का। अब बताया सर मेरे पास डिविडेंड, पूरा डिविडेंड मुकम्मल 6158, 1+ ग्रोथ रेट 20.02%, मार्केट वैल्यू चूंकि ऊपर डिविडेंड एंटायर कंपनी का है तो नीचे मार्केट वैल्यू भी एंटायर कंपनी की होनी चाहिए। एंटायर कंपनी की मार्केट वैल्यू 1.5 लाख × 3.42, 1.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं × 3.42। पक्का? देखिए सर मेरे पास क्या हिसाब किताब बन रहा है सर इसका, क्या आ रहा है मेरे पास सर के ई, सर मेरे पास के ई आ रहा है कोई 21.46%। ऐसा अब देखें यार, ये ग्रोथ रेट और इसके बीच में गैप काफ़ी कम है, तो दिस इज एक्सट्रीमली अनरियलिस्टिक ग्रोथ रेट, ठीक है जी। लेकिन खैर सर है तो है, इसको कैलकुलेटर से कंफर्म भी कर लेते हैं। 6158 मल्टीप्लाई 1.02 डिवाइडेड बाय 1 चीज आप इसमें भूल गए सर, वो है इसमें ग्रोथ रेट लेना 20.02%। अब देखें क्या आ रही, ये आ रहा है मेरे पास 21.46, सॉरी देखें 20.02 है के ही मेरे पास आ रहा है सर, ये मेरे पास बराबर है 21.46 के। डन, ऐसा है। अब देखिए ये बहुत अनरियलिस्टिक सर ग्रोथ रेट नजर आ रहा है, लेकिन खैर सर सवाल है, पेपर का सवाल है, एग्जाम का सवाल है, जैसे भी हो सर हमने सॉल्व करना है। अब मैं उठा रहा हूँ सर जंबो को, जंबो क्या कह रहा है वो देख लो। जंबो कह रहा है भाई मेरा लेटेस्ट डिविडेंड और मेरा ओल्डेस्ट डिविडेंड और मेरे पास टाइम, टाइम एग्जामिनर ने बताया सर 5 साल। लेटेस्ट डिविडेंड 48,130 और 37,600, 48,130 और 37,600। तो मेरे बच्चों अगर मैं यहाँ ग्रोथ रेट निकालने जाऊं तो मैं कहूंगा ग्रोथ रेट इक्वल्स टू लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट डिविडेंड रेस्ट टू पावर 1/5 - 1। जी ग्रोथ रेट कितना जी? सर ग्रोथ रेट है मेरे पास अराउंड कोई 5.06%। चेक करो यही जी, जी सर। अब इसी ग्रोथ रेट से हमने वैसे कंपनियों के नाम शायद ट्रेंडी और जंबो फिर अब बताया जी, अब ग्रोथ रेट निकला है, अब हमने चाहिए के ई डिविडेंड, लेटेस्ट डिविडेंड 48,130, 1+ ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, इंटायर मार्केट वैल्यू चाहिए 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.65। प्लस ग्रोथ रेट बताओ के ई कितना है? सर अगर आप इसको वर्कआउट करेंगे ना तो मेरे पास के ई आएगा अराउंड सर कोई 21.36%। चेक कर सकते हैं सर हम इसको, ये 20.61 है, सॉरी 20.62 है ये, ठीक है जी। आप इस सवाल को चाहो तो ऑल्टरनेटिव तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ग्रोथ रेट गॉर्डन का मॉडल भी यहाँ अप्लाई हो सकता था, ठीक है जी। सर अगर मैं किसी एक पे गॉर्डन का मॉडल अप्लाई कर लूँ तो मैं ऐसे मिसाल के तौर पर ट्रेंडी से गॉर्डन का मॉडल से भी ग्रोथ रेट निकाल सकता हूँ। सर देखें इसके पास क्लोजिंग नेट एसेट्स आ रहे हैं 3,15,000, इससे प्रॉफिट कमाए 62,000 का। सर इसमें से प्रॉफिट दिया कितने का है? 6158, 62,858। सर इस बंदे ने प्रॉफिट कमाया है
ग्रोथ का ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन क्या होगा सर? जी इक्वल्स टू बी इंटू आर। तो आर आपको बता रहा है वो भाई कि आपने प्रॉफिट कमाया कितना है, बी आपको ये बताएगा जी आपने रिटेन कितना किया। ठीक है, तो रिटेंशन तो बड़ा आसान है सर। सर इस बंदे ने, अगर मैं सिर्फ ट्रेंडी को देखूं, 62,858 का प्रॉफिट कमाया। इसमें से डिविडेंड दिया कितने का? सिर्फ 6,158। तो इसका मतलब है सर बाकी रिटेन किया। तो 62,858 में से 6,158 का इस बंदे ने डिविडेंड दिया, बाकी पूरा प्रॉफिट रिटेन किया। तो इसका रिटेंशन रेशियो कितना होना चाहिए सर? सर इसका रिटेंशन रेशियो 90.2%। मैसिव रिटेंशन, ह्यूज रिटेंशन सर। ठीक है, अब बताएं जी आर कितना, आरओई कितना है भैया? आरओई है मेरे पास सर प्रॉफिट ओवर ओपनिंग नेट एसेट्स। अब अगेन ओपनिंग नेट एसेट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। नेट एसेट्स का क्लोजिंग एग्जामिनर ने दिया हुआ है मुझे कितना, नेट एसेट्स का क्लोजिंग सर 3,15,000। बताएं सर ड्यूरिंग द पीरियड, अब पता नहीं ओपनिंग कितना था, प्रॉफिट कितना हमने कमाया? 62,858। सर डिस्ट्रीब्यूट कितना किया बोनस या डिविडेंड के नाम पे? 6,158। तो बताओगे सर ₹2,58,300 ऐसा, यही है मेरे पास 2,58,300। तो बताएं आरओई किस तरह निकलेगा जनाब? प्रॉफिट मेरे पास कितना है जनाब? प्रॉफिट है मेरे पास 62,858 डिवाइडेड बाय 2,58,300। परसेंटेज निकालें, सर ये बनता है अराउंड, कोई ग्रोथ रेट बनता है कितने का? ये बन जाता है कोई 24.34। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं सर, तो ये बन जाता है अराउंड सर मेरे पास कोई 21.95 ग्रोथ रेट। आप चाहो तो ऐसे भी ग्रोथ रेट निकाल सकते हो, ये खैर इतना दूर नहीं गया जो ग्रोथ रेट हमने कैलकुलेट किया था। कहां से 20.02 यहाँ ग्रोथ रेट आ रहा है अराउंड कोई 21.95। तो लगभग एक ही जैसा है। दोनों मेथड से आप इस सवाल को देख लीजिएगा। सर आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह ताला अगली क्लास जो है वो हम फ्राइडे को अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह खैरन, अल्लाह हाफिज़।